महासा आके बोलती हैं कि तुम ये प्रथा नहीं निभा पाओगी। हाँ, पूजा में शामिल होना एक अलग बात है, लेकिन तुम मूर्ति नहीं बना सकती क्योंकि ये शादीशुदा जोड़ों की, ये कुंवारियों की रस्म होती है बेटा, पर तुम विधवा हो। ये क्या बोल दिया, पर उसको डिवोर्स पेपर्स दे दिए हैं इन दोनों के। कैसे मैं रूही को बोलती हूँ कि दादी से हंसा है, बॉस की मम्मी की दूसरी शादी हो जाए, तो मैं समझने की कोशिश कर रही हूं। तुम्हें हर बात समझनी क्यों है बेटा? अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो लेट इट बी ना, प्लीज प्लीज। जो उसने किया वो गलत कदम उठाया। पूजा ये जो है, ये पूजा है जिसका नाम जिसको बोलते हैं गढ़गोर, और ये जो है ये शिव और पार्वती के लिए है, और यहाँ पर ऑफ़ कोर्स शिव और पार्वती हैं, तो इनसे ज़्यादा और ऊंचा एक पति और पत्नी का कौन सा एक यू नो सिंबोलिज्म होगा, तो उसको लेकर ये पूजा है। और इस पूजा के तहत क्या होता है कि अगर आप मूर्ति बनाते हैं एक साथ मिलकर, आप जैसे आप देख रहे हैं ये दुपट्टा मैंने पहना है चुनरी जिसमें माधव लिखा हुआ है, तो ऐसी छोटी छोटी प्रथाएँ हैं जो हम कर रहे हैं जिससे पति और पत्नी का जो प्रेम है वो और बढ़ जाता है, अमर हो जाता है एक तरीके से। तो वो अभी सिचुएशन है यहाँ पर और वो सीन है, और कैसे जैसे हमारा टेलीविज़न है तो कहीं ना कहीं ड्रामा तो होना ही है। तो रूही जो है वो एक्चुअली इसमें विडो है, बट लेकिन तो वहाँ पर महासा आके बोलती हैं कि तुम ये प्रथा नहीं निभा पाओगी। हाँ, पूजा में शामिल होना एक अलग बात है, लेकिन शिव की जो एक मूर्ति बनाना और पार्वती की मूर्ति बनाना वो तुम नहीं करोगी क्योंकि वो प्रथा का उल्लंघन हो जाएगा। अरमान, हाँ जी, हाँ मेन द्वार पर वो तो बिकॉज वो मसूरी गई थी, उसका रिजॉर्ट जो है वो पूरा टूट गया था और वो बनाने गए थे, सो उस वजह से वो लोग जब वापस आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। आई नो क्या हुआ है वहाँ पर, एंड मैं वहाँ पर मुझे पता चलता है कि रूही ने वहाँ पर उसको डिवोर्स पेपर्स दे दिए हैं इन दोनों के, एंड कैसे मैं रूही को बोलती हूँ कि ये जो तुमने किया वो ठीक नहीं किया। और मैं वहाँ पर अबीरा और अरमान का साइड लेती हूँ बिकॉज मुझे लगता है जो उसने किया वो गलत कदम उठाया। मैं तो बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, देखिए ना खूब सारे, मैंने तो एक्चुअली शिव जी की मूर्ति बनानी है, यू कैन एक्चुअली शूट दैट ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू। क्योंकि ये शादीशुदा जोड़ों की, ये कुंवारियों की रस्म होती है बेटा, पर तुम विधवा हो। ये क्या बोल दिया, तुम जानते हो कि हम तुमसे खुश देखना चाहते हैं इसीलिए तुम्हें इतनी आजादी देते हैं। अरमान को भी लुक देते हैं, और तुम्हारी खुशी के लिए हम हर परंपरा को नहीं तोड़ सकते, और हमें हर परंपरा को तोड़ नहीं सकते हैं। पूजा में शामिल होना अलग बात होगी, पर ये मूर्ति बनाने की इजाजत हम तुम्हें कभी नहीं दे सकते। रीति रिवाज का मान तो हमें रखना ही पड़ेगा ना।